हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में थंबनेल मेकर ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया है थंबनेल मेकर चैनल आर्ट। आपको थंबनेल मेकर सर्च करते ही आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इसमें थंबनेल कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो सबसे आपको डाउनलोड करने के बाद पहले इसके आप रिव्यूज़ रेटेड नीचे देख सकते हो। 4.3 इसको स्टार मिले हुए, 175 के इसके रिव्यूज़ है, 3+ रेटेड है और 10 मिलियन प्लस इस लोगों ने इसे डाउनलोड कर दिया है। आपको भी डाउनलोड करना है, फिर आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर थंबनेल मेकर का लोगो वगैरह आ जाएगा। लोगो आप होने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर चार तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में तो आपको थंबनेल टेम्पलेट्स, यहाँ पर आपको कवर मेकर, यहाँ पर माई थंबनेल्स और आपको यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन मिला है। आपको मैं सारे ऑप्शन यूज करके आपको बताने वाला हूँ। पहले हम कस्टम पर क्लिक करते हैं, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके थंबनेल की यहाँ पर साइज़ आ गई है। यहाँ पर आप साइज़ को चेंज भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर यूट्यूब वाले ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखना है वेट और हाइट के बारे में यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले हम यहाँ से वेट और हाइट लिख देते हैं। फिर आपको नीचे क्रिएट का ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ्रेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन था। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रेम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको जिस टाइप की फ्रेम चाहिए उस टाइप की फ्रेम पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम आपको थंबनेल वाली साइज़ को सिलेक्ट कर दिए। फिर आपको ऊपर राइट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो आपको प्लस का आइकन मिलेगा, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपकी गैलरी में से आपकी यहाँ पर बहुत सारी गैलरी में फोटो आएंगी। यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर थंबनेल आपके सामने आ जाएगी। उसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गैलरी में से फोटो सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से गैलरी में भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हमें यहाँ से यहाँ पर थंबनेल है जो एक सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर थंबनेल जो सिलेक्ट कर दिया है। थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपने जो थंबनेल सिलेक्ट की है वो आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने एक ऐड आएगी। सर को यहाँ से पूरा बस करके क्लोज कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर ऊपर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपके सामने लोगो वगैरह आ जाएगा। लोगों को यहाँ पर रिमूव करना है इस लोगो को, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर वॉच वीडियो पर क्लिक करना है। वॉच वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐड आएगी। इस ऐड को यहाँ से पूरा वॉच करके आपको क्लोज करना है, तो आपका यहाँ पर लोगो है जो यहाँ से हट जाएगा। तो मैंने ऐड को यहाँ से क्लोज कर दे दिया। यहाँ पर देख सकते हो ऐड पूरी हो गई। ऐड को क्लोज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा लोगो यहाँ से हट गया है। फिर यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता है, इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे यहाँ पर थंबनेल बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो कैसे हम टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में। तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पर नाम लिखा है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको कलर करना चाहते हो नाम में, तो यहाँ से कलर भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन भी मिलता है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से स्टिकर भी लगा सकते हो अपने। यहाँ पर आपके सामने स्टिकर भी आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इफेक्ट भी आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर से अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा है तो यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से क्रॉप करने के बाद यहाँ पर इमोजी देख सकते हो, इमोजी भी आपके सामने बहुत सारे इमोजी आ जाएंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर नीचे आपको एडजस्ट करना है अपने यहाँ पर थंबनेल को, यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ब्राइटनेस वगैरह करना है तो ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको ब्रांड का लोगो वगैरह लगाना है तो यहाँ से लोगो वगैरह लगा सकते हो। पर आपके सामने बहुत सारी ब्रांड आपके सामने आ जाएगी। तो कैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे लोगो वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से आपका कोई ब्रांड है तो यहाँ से लगा सकते हो। तो कैसे आप समझ गए होंगे कि इस ऐप में आप थंबनेल कैसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर आपको समझा दिया है कि थंबनेल जो कैसे बनाते हैं। फिर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है।
और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक ऐड आएगी। इस ऐड को यहाँ से पूरा वॉच करके क्लोज कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो आपके यहाँ पर थंबनेल जो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर आप थंबनेल को गैलरी में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। इस पर सेव पर क्लिक करके इस थंबनेल को आप गैलरी में सेव कर सकते हो। अगर आप थंबनेल को दोस्तों में शेयर करना चाहते हो तो आपको शेयर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन मिलता है। इस थंबनेल को कहीं पर अपलोड करना चाहते हो अपने यूट्यूब वगैरह पर तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन भी मिलता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब थंबनेल मेकर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।